नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। श्रावण मास के मौके पर रंगाई सामुदायिक भवन में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन किया गया। खास बात यह है कि इस आयोजन में न्यायाधीश और न्यायालय अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार जन शामिल थे। खुद जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्याम चरण उपाध्याय भी शिवलिंग निर्माण कर धार्मिक लाभ ले रहे थे। बताया गया कि शिवलिंग निर्माण के बाद विसर्जन होगा और प्रसादी वितरण भी किया जाएगा। संभवतः ऐसा बहुत कम देखने में आता है जब न्याय प्रक्रिया से जुड़े न्यायाधीशगण सार्वजनिक रूप से किसी कार्य में संलग्न दिखाई दिए हों। श्रावण मास चल रहा है, हर जगह भोलेनाथ की जय जयकार हो रही है और इस श्रावण मास के उपलक्ष्य में हमारे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की प्रेरणा से 1.25 लाख शिवलिंग का ये मतलब आयोजन रखा गया है। ये पार्थिव शिवलिंग बना के और फिर इसके बाद जो है इनका अभिषेक किया जाएगा और अभिषेक करने के बाद यहाँ भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था की गई है। ये इसमें यहाँ सभी न्यायालय परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी सम्मिलित हैं। न्याय परिवार के समस्त स्टाफ तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के द्वारा ये है आयोजन आयोजित किया गया है, जिसमें हम न्यायाधीशों को भी बुलाया गया है। हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भव्य आयोजन भगवान शंकर के लिए आयोजित किया और हम सब लोग यहाँ पे आए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। सर, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि न्यायाधीश के माध्यम न्यायालय के माध्यम से ये सब आयोजन हो रहा है। नहीं, न्यायालयों के माध्यम से नहीं, ये तो हमारी सबकी व्यक्तिगत आस्था है, अपने भगवान इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ विजय रघुवंशी विद्रोही की रिपोर्ट।